आज की इस कक्षा में हम रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन से रेल मंडल है, कौन सा बड़ा स्टेशन है, कौन सा लंबा स्टेशन है, उन सभी की बात आज की इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में रेल परिवहन। इससे पहले एक बात ध्यान देने की ये है कि भारत में जो रेल परिवहन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखता है, साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी भारत के पास है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है और परीक्षाओं में आमतौर से इससे एक ना एक सवाल आते ही रहते हैं। एनटीपीसी रेलवे की एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए भी इसमें से कई सारे प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन, देखिए सड़क मार्ग जो है वो एक ऐसा मार्ग है जो डोर टू डोर परिवहन के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक घर से दूसरे घर के लिए हम सड़क परिवहन के द्वारा जुड़ सकते हैं। लेकिन रेल मार्गों के संदर्भ में ऐसा संभव नहीं होता। रेल मार्गों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सकते हैं, घर से घर का परिवहन नहीं हो सकता। लंबी दूरियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लंबी दूरियों के लिए, और साथ ही साथ इससे समतल भूमि पर ही परिवहन किया जा सकता है। ये सबसे सस्ता है, स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे सस्ता मार्ग अगर कोई होता है तो रेल मार्ग ही होता है। लंबी दूरियों के लिए, कई हज़ार किलोमीटर दूरियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मुख्यतः यात्रियों के लिए और सामान को ढोने के लिए। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपने 12वीं कक्षा में भी पढ़ ली होगी इन सब चीज़ों को। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि रेल मार्गों का विकास उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लागत आएगी। भारत का उदाहरण लेते हैं हम, तो भारत का जो उत्तर भारत है, जो गंगा और सतलज का मैदान है, वहाँ पे भारत का लगभग आधे से ज़्यादा रेल नेटवर्क पाया जाता है। जबकि उसकी अपेक्षा में हम बात करें भारत के दक्षिण हिस्से की, जहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, वहाँ पर भारत का बहुत कम रेल मार्ग देखने को मिलता है, जिसमें से भी बहुत सारे रेल मार्ग ऐसे हैं जिसमें सुरंगें बनाई गई है, यानी कि पठार को काट करके नीचे से उसके अंदर से रेल मार्ग निकाला जाता है। मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 26 से 27 सुरंगें आती है, छोटी और बड़ी, तो बहुत मुश्किल होता है। उबड़ खाबड़ एरियों में जा नहीं सकती। छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी मरुस्थल, वहाँ पर बहुत कम रेल मार्ग पाए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रेल मार्गों की कमी है, घाटियों में रेल चल सकती है लेकिन पहाड़ों में रेल नहीं चल सकती। तो ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन रेल मार्ग एक पर्याप्त साधन है आवागमन का, परिवहन का, जिस वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं और हमारे माल को भी ले जाया जा सकता है। अधिकतर रेल मार्गों का विकास वहाँ हुआ है जहाँ पर कोई बड़े उद्योग, फैक्ट्री वगैरह कुछ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं रेल मार्गों के बारे में। विश्व की सबसे पहली जो रेल चली थी वो कहाँ चली थी? विश्व की सबसे पहली रेल, लिख लीजिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। विश्व की सबसे पहली रेल जो चली थी वो चली थी मैनचेस्टर से, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। अब देखिए मैनचेस्टर को आप सभी जानते हैं, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक ऐसा शहर है जो सूती वस्त्र उत्पादनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ये सूती वस्त्र उत्पादन। और दूसरा जो लिवरपूल है, ये लिवरपूल जलयान निर्माण उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो सूती वस्त्र उद्योगों का जलयान निर्माण उद्योगों से वहाँ से वहाँ तक इसको लगाया गया था। कब लगाया गया था? ये चली थी रेल 1830 में सबसे पहले, ठीक है। ये कहाँ चली थी 1830 में? मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। ये दोनों ही कहाँ हैं? आप सभी को खूब मालूम होगा, इंग्लैंड में है। क्या है ये? इंग्लैंड में 1830 और 15 सितंबर को ये चली थी, ठीक है। अप्रैल में तो अपने यहाँ चलेगी। और भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में
सबसे पहली रेल जो चली थी, आप सभी को खूब पता होगा, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठाणे कह दीजिए या ठाणे कह दीजिए, ठाणे के बीच, मुंबई भाषा में इसको ठाणे बोला जाता है, ठाणे। तो ये चली थी, और ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। और इसको चलाने में योगदान किसका था? इन्हीं अंग्रेजों का था, क्योंकि ये व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, और इनके व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनको भारत में रेल मार्गों को बिछाना पड़ा, रेल को चलाना पड़ा। तो इन्होंने सबसे पहले भारत में जो है 1853 में रेलों को चलाया। 1854 में फिर रानीगंज से कोलकाता के बीच में, क्योंकि वो भी औद्योगिक प्रदेश है, वहाँ भी रेल मार्ग का निर्माण किया गया, वहाँ फिर दूसरी रेल चली। इस तरीके से भारत में धीरे 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 रेल मार्गों का डेवलपमेंट होता गया। विभाजन के बाद, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो विभाजन के बाद कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों शामिल है, उनके पास चला गया, लेकिन अधिकांश हिस्सा वो भारत के पास ही बचा रहा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और एक और चीज है इसमें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, लिख लीजिए आप इसको, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये कहाँ है गुरुजी? ये है यूएसए में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएसए आप खूब परिचित है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का स्टेशन है ये, विश्व का सबसे बड़ा। बड़ा किस आधार पे गुरुजी? बड़ा है प्लेटफॉर्म की संख्या के आधार पर, सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या यहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, आप खूब परिचित है इससे, यह है गोरखपुर है। ठीक है, कौन सा है? गोरखपुर, यूपी। ये लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है, यानी कि डेढ़ डेढ़ किलोमीटर के आसपास है, 1300 मीटर के से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो भारत का गोरखपुर हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यूएसए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन सबसे पहले जो चली थी भारत में, इलेक्ट्रिक ट्रेन का मतलब ये ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं होती, इंजन इलेक्ट्रिक होता है उसका। ठीक है ना, बिजली वाला इंजन या विद्युत द्वारा चलने वाला इंजन, ये सबसे पहले चली थी भारत में मुंबई से कुर्ला के बीच में, मुंबई से। ये 34 किलोमीटर की लंबाई थी लगभग इसकी। ठीक है ना, मुंबई से कुर्ला के बीच में ये लगभग 1925 के आसपास चली थी। ठीक है, और देख लेना इसको, 1925 के आसपास ही इसका परिचालन शुरू हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको रेल परिवहन के संदर्भ में भारत में याद रखना है। और एक एक दो बात और याद रख लें हम, तो विश्व का सबसे लंबा रेल परिवहन मार्ग, तो वो भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये भी लिख लीजिए आप, विश्व का सबसे लंबा रेल परिवहन मार्ग, यह भी आपको खूब पता होगा, कक्षा 12 में आपने इसको खूब पढ़ा होगा। यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यही में समझ लीजिए तीन महाद्वीपों को जोड़ देता है लगभग, तीन महाद्वीपों को। कौन कौन सा? देखिए, ये जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से ये जाता है ब्लाडी बोस्टक तक, ब्लाडी बोस्टक। ये लगभग 9,500 किलोमीटर से भी लंबा रेल मार्ग है। ठीक है,
लंबाई आपको याद होगी 9652 किलोमीटर, इस तरीके से कुछ है इसकी। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टोक, यानी कि ये एशिया के एक छोर से शुरू होकर के रूस तक, सेंट पीटर्सबर्ग ये है यूरोप में, यहाँ तक जाता है, और इसके इधर से बस अमेरिका शुरू हो जाता है, उत्तरी अमेरिका का भाग, ये एशिया है यहाँ तक, और यहाँ से यूरोप, तीन कह सकते हैं कि महाद्वीपों को ये जोड़ने वाला रेल मार्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लाडिवोस्टोक। ठीक है, व्लाडिवोस्टोक ये भी जलयान निर्माण के लिए बहुत फेमस स्थान है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछ लिया जावे, अगर भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछ लिया जावे तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल परिवहन मार्ग अगर ये पूछ लिया जाता है तो ये है डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, तो ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लिख लीजिए आप इसको, उतार लीजिए, फिर इसको हम आगे देखेंगे। विवेक एक्सप्रेस नाम की कोई ट्रेन है, वो यहाँ से यहाँ के बीच में चलती है, लिख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आगे के हम चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और चीज़ों को देखेंगे, भारत के रेल मंडलों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं इसको, मिटा दो। चलिए, भारत में अगर वर्तमान में बात कर ली जावे तो रेल परिवहनों की, रेल मार्ग जो है उनकी लंबाई कितनी है, अगर लंबाई के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो रेल पटरियों की लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास, 97,000 कुछ किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछ ली जावे कि भारत में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है तो वो है लगभग 68,40,000 किलोमीटर। ठीक है, भारत में रेल मार्गों की लंबाई 68,40,000 किलोमीटर है, ये आंकड़ा भी आपको याद रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद जब विभाजन हुआ था, भारत के पास 57,000 किलोमीटर की लंबाई के रेल मार्ग थे, लेकिन अब भारत में 2017-18 के आंकड़े हैं, इसके अनुसार 68,40,000 किलोमीटर के रेल मार्ग भारत के पास मौजूद है। अब हम देख लेते हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ साथ ये आपके कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको भारत के जितने भी रेल जोन हैं उन सभी रेल जोनों को मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। हम पढ़ेंगे भारत के रेलवे जोन, भारत के रेलवे जोनों के बारे में पढ़ेंगे, कितने रेलवे जोन है गुरुजी भारत में। देखिए, अब तक हमने पढ़े थे भारत को कुल 17 रेल जोनों में बांटा गया है, रेल मंडल में बांटा गया है, लेकिन सन 2019 में एक नए रेल मंडल का निर्माण किया गया, नए रेल मंडल को स्वीकृति दी गई, जिसको दक्षिणी तटीय रेल मार्ग के नाम से जाना गया, और वो विशाखापट्टनम में स्थित है, 27 जुलाई 2019 को नया बना दिया गया। इस तरीके से भारत में कुल 18 रेलवे मंडल है, रेलवे जोन है, भारत को कितने जोनों में बांटा गया है? 18 रेलवे जोनों में बांटा गया है। अब उन सभी को हम मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और भारत का मानचित्र बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ साथ मानचित्र ड्रॉ कर लीजिए। नहीं,
ये मानचित्र बनाना आपको बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि आप आखिरी स्टेज पर हो अपनी पढ़ाई की। फिर आपको ही बनाना पड़ेगा, कोई सिखाने वाला नहीं आएगा। अभी सीख सकते हैं, आपके पास वक्त है। चलिए, ये हमारा मानचित्र बन करके तैयार। ठीक है, नीचे का दिख रहा है ना आपको? दिख जाएगा, नहीं है ज़्यादा नीचे, कुछ भी नहीं है। इतना मानचित्र हम बना लेंगे, बहुत काफ़ी है हमारे लिए। अब देखिए, हम इसमें भारत के जितने भी रेल मंडल हैं, जितने भी रेल जोन हैं, उन सभी को दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो तैयार रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। देखिए, भारत के जितने भी रेल मंडल हैं, सबसे पहले तो आपको आपने सुना होगा पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे। इस तरीके से आपने सुना होगा, ऊपर है दे मरे प मरे, इस तरीके से आपने ट्रेनों के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, कौन सी ट्रेन कहाँ की है, वो इसके माध्यम से हमको समझ में आ जाएगा कि ये रेल जोन जो है उसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देश के जो चार है, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण, इन चारों को हम समझ लेंगे। फिर उसके साथ एक और है मध्य, तो ये पांच रेलवे जोन है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देश में कितने महानगर है? चार महानगर है, तो चारों महानगरों में एक-एक जोन बनाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले उत्तर में दिल्ली की बात कर लेते हैं हम, तो दिल्ली में उत्तरी रेलवे का जोन है उरे, मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में उरे। ठीक है, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय या उत्तरी रेलवे का मंडल कहां है? यह है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, कभी आपको किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा। फिर दूसरा कहां है गुरुजी? दूसरा है आपका मुंबई में, यहां आ जाइए, यह है पश्चिमी रेलवे, परे मुंबई। ठीक है, परे मुंबई। और मुंबई का कौन सा है ये? मुंबई का ये है चर्च गेट। कौन सा है ये? चर्च गेट। मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, यहां पर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। फिर इसके बाद आ जाइए दक्षिण में। अब दक्षिण में कौन सा महानगर है आप सभी को मालूम है? चेन्नई। ये द रे दक्षिणी रेलवे कहाँ है? ये चेन्नई में। बहुत आसान है और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, ये पूर्वी रेलवे पूरे, और ये कहाँ है? कोलकाता में। देश के चार प्रमुख रेल जोनों का स्थान आपको याद हो गया, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई, दक्षिणी रेलवे चेन्नई और पूर्वी रेलवे कोलकाता। बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया। इसके बाद एक मध्य रेलवे और है, और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मध्य रेलवे और है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मध्य रेलवे भी कहाँ है आपका? मुंबई में ही। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में ही बनाया गया है, मैं रे लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, मैं रे, और ये भी कहां है? मुंबई में। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पांच के पांच हो गए, पांच के पांच हो गए, और पांचों को आपको इसी तरीके से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और जो इसके आसपास है, जैसे पश्चिम मध्य उत्तरी पूर्वी, इस तरीके के रेल मार्ग आएंगे, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो आपको चारों, तो पांच की स्थिति आपको मालूम हो गई होगी। पांचों की स्थिति के बाद अब देखिए कुछ बीच वाले स्टेशनों को भी देखते हैं, बीच वाले मंडल को। तो ये देखिए, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो पश्चिम ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। तो यहां लिख देंगे ऊपरे, उत्तर पश्चिम रेलवे ये कहां है? जयपुर में। हो रहा है याद, समझ में आ रही है बात? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? ये है जयपुर में। इसी तरीके से यहां आ जाइए, उत्तर पूर्वी रेलवे,
उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यहां मिल जाएगा आपको, उत्तरी पूर्वी रेलवे ऊ पूरे, ये है गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? गोरखपुर में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम दक्षिणी और पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। ठीक है, ये दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे दपरे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय यहाँ पर हुबली में, हुबाली। यह है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे दपरे। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है। ये हो गया उत्तरी पश्चिमी रेलवे और ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी रेलवे और ये हो गया उत्तरी पूर्वी रेलवे। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कोलकाता का ये वाला जो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ये है आपका पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है, ये फेयर प्लेस करके एक जगह है, यहाँ पर फेयर प्लेस यहाँ पर स्थित है। कहाँ है? फेयर प्लेस। इसी के पास एक और मुख्यालय है, वो दक्षिणी सॉरी उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में ही है। किधर है? उत्तरी पूर्वी रेलवे जो है इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ये भी कोलकाता में है, उत्तरी पूर्वी रेलवे इसका मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता में कहाँ है? गार्डन रीच, गार्डन रीच के समीप यहाँ पर। देखिए दोनों अलग अलग स्टेशन हैं, इसलिए ये फेयर प्लेस है और ये गार्डन रीच है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। और ये उत्तरी पूर्वी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम गार्डन रीच, सॉरी ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी का तो यह है गोरखपुर, ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी इसी को बनाया गया है। ठीक है, अब कितने हो गए? देखिए इन पे गिनती भी हम लिखते जाएंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो कितने मुख्यालय हमारे हुए हैं। पहले तो हम पांचों को लिख देते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। ठीक है, इसके बाद ये छः सात आठ और नौ, यानी कि हमारे आधे रेलवे जोन ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं और कुछ मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ पर है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का तो हो गया, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का भी हो गया, अब एक मध्य रेलवे और आता है जिसको कहते हैं उत्तरी मध्य रेलवे, उसका मुख्यालय यहाँ है उमेरे, उत्तरी मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। कहाँ है बोलो? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसी तरीके से दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है गुरुजी? दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय ही यहाँ पर, दक्षिणी मध्य रेलवे ये है हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर कितने हो गए? नौ हो गए थे, ये दसवा हो गया और ये ग्यारहवा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक मुख्यालय और बनाया गया है इसी के समीप बिलासपुर में, ये है यहाँ पर बिलासपुर छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे दपूमरे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे और ये है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और ये नंबर हो गया 12। बात समझने की कोशिश करना। अब एक मध्य रेलवे का मुख्यालय और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे, यहीं पर है मुंबई के पास, जिसको एमपी में है ये पश्चिमी मध्य रेलवे। देखिए अलग अलग है, पश्चिमी रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई, लेकिन पश्चिमी मध्य रेलवे ये है जबलपुर में, जबलपुर एमपी। ठीक है, ये हो गया नंबर 13वां, नंबर 13वां हो गया। इसके बाद देखिए और एक दो इंपॉर्टेंट है,
जब तटीय देख लेते हैं हम, एक दो तटीय रेलवे भी हैं, तटीय रेलवे के मुख्यालय है। उससे पहले एक यहाँ पर है मुख्यालय जिसको कहते हैं उत्तर पूर्वी सीमांचल रेलवे। क्या नाम है इसका? उत्तरी पूर्वी सीमांचल रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी पूर्वी सीमांचल रेलवे का मुख्यालय यह है गुवाहाटी में, गुवाहाटी आसाम, इसको मालीगांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मालेगांव। अब देखिए, हम मध्य रेलवे की बात कर रहे थे, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे ये कहाँ है? हाजीपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे ये बिलासपुर है। लेकिन अब दक्षिण मध्य रेलवे की बात कर लेते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे की, तो ये कहाँ आ जाता है? दक्षिण मध्य रेलवे, ये पूर्वी मध्य रेलवे, सॉरी पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे का जो है ये है आपका दमरे, दक्षिणी मध्य रेलवे ये आ जाएगा आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो ये 12 हो गए थे यहाँ पर, ये हो गया नंबर 13 और ये हो गया नंबर 14। इसके बाद चार मुख्यालय और हैं, वो भी हमको ढूंढने हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक आपको मुख्यालय मिलेगा यहीं पर, मेट्रो रेल का मुख्यालय, मेट्रो रेल का मुख्यालय जो कहाँ है वो भी आपको मिलेगा। मैं इसको तीसरे पेन से कर देता हूँ, काले पेन से। आपको मेट्रो रेल का मुख्यालय भी कोलकाता में मिलेगा, मेट्रो रेल इसका मुख्यालय भी आपको कोलकाता में मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा नंबर 15, 14 हो गया, इसके बाद ये नंबर 15 हो गया। फिर इसके बाद नंबर 16, 17 और 18, ये तीन और बच रहे हैं, इनको देखते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा यहाँ पर। मैं इसको दूसरे कलर के पेन से कर देता हूँ ताकि बेहतर रहे, अच्छे से दिखे। पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्व का तट है, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। इसके बाद जो ये कौन सा नंबर का हो गया, ये आपका ये 15 हो गया और ये 16 नंबर का हो गया। इसके बाद दो मुख्यालय और बच रहे हैं हमारे, उन दोनों मुख्यालयों की भी स्थिति देख लेंगे हम। तो आखिरी वाला जो आखिरी दो है उनमें से एक कौन सा है? ये दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे ये नया बनाया गया, और थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं इसको हम, ये दक्षिणी तटीय द त रे, दक्षिणी तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है गुरुजी? ये बनाया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ है ये? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। विशाखापत्तनम में ये बनाया गया है और ये सबसे नवीनतम है, 27 जुलाई 2019 को इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, यानी कि इसको घोषित किया गया है और ये देश का 18वां है। इससे पहले जो हमारा एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन हमारे जो 13 ही हो रहे थे, ये सॉरी 17 ही हो रहे हैं, इसका क्या है ये कन्फ्यूजन 16 सा ये रह गया। देखिए 13 नंबर इसमें हमने डाला है और 13 ही नंबर इसमें डाला है, तो इसको आप 13 कर दीजिए, उसको आप नंबर 14 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे हो जाएंगे, और 14 नंबर हमने जिसको डाला था उसको 15 कर देते हैं, और 15 जिसको डाला था उसको हमने 16 कर देते हैं। 15 किधर डाला था? 15 ये डाला है हमने, तो इसको 16 कर दीजिए, और 16 जिसको डाला उसको 17 कर दीजिए, और 17 जिसको डाला हमने उसको 18। इस तरीके से देश के 18 रेलवे जोन हैं। उम्मीद है आपको ये 18 के 18 रेलवे जोन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं हम इसका। देखिए, देश के जितने भी रेलवे जोन हैं उनको 18 जोनों में बांटा गया है। अब तक 17 जोन हम पढ़ते हुए हैं, लेकिन 27 जुलाई 2019 को देश का नया नवीनतम जो बनाया गया है दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापत्तनम में जोन बनाया गया है नया। तो देखिए, सबसे पहले चार तो हमको चारों दिशाओं के आधार पर याद रहेंगे, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे।
उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, चर्च गेट वाला, ठीक है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, फेयर प्लेस वाला स्टेशन है, ठीक है। इसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय भी आपको मुंबई में ही मिलेगा। मध्य रेलवे, देखिए मुंबई टर्मिनल भी आपने सुना होगा, मुंबई सेंट्रल भी आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टेशन है मुंबई के आसपास, तो उनमें से चर्च गेट वाला जो पश्चिमी रेलवे का है और मुंबई वाला जो कौन सा है वो मध्य रेलवे का मुख्यालय। इस तरीके से पांच हो जाते हैं। छठा हमने लिखा है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, जो हमारा है, हमारे आसपास वाला है, जो जयपुर का मंडल है वो वाला, यानी कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो है ये आता है जयपुर के अंतर्गत, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे। अब हम अंदाजे से लिख सकते हैं इसको, देखिए उत्तर पश्चिम में है तो उत्तर पश्चिमी रेलवे। इसके बाद हमने लिखा ऊपूरे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, ये उत्तर और ये पूर्व, इसके बीच में ये गोरखपुर है तो ये उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। फिर इसके बाद हमने आठवां नंबर जो लिखा था, आठवां नंबर हमने कहाँ लिखा है, ये हुबाली, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इन दोनों के बीच का ये हुबाली, ये कर्नाटका में है, ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। फिर नवां नंबर हमने यहाँ लिखा था, देखिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे, हम पहले पूर्वी और पश्चिमी की बात कर लेते हैं, तो उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी, इस तरीके से आपको याद रखना है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है, वो भी कोलकाता में है, और कोलकाता का कौन सा स्टेशन है, गार्डन रीच स्टेशन, यहां पर ये मौजूद है। आपको फेयर प्लेस गार्डन रीच याद रहे तो भी कर लेना, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोलकाता ही काफी हो जाने वाला है। फिर इसके बाद हमने नौ के बाद दसवां नंबर जो देखा था, उत्तरी मध्य रेलवे की बात कर लेते हैं। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय हमको देखा था इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी मध्य का हमने देखा था, ये उत्तरी मध्य, ये पश्चिमी मध्य, पश्चिमी मध्य का हमने कहाँ देखा था, जबलपुर में। हमने बताया था आपको पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में, मध्य रेलवे का भी मुंबई मिल जाएगा, लेकिन पश्चिमी मध्य का कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको जबलपुर में। फिर इसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमांचल रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांचल रेलवे यानी कि सीमावर्ती, यह है गुवाहाटी में आपको मिलेगा, मालेगांव में, डिब्रूगढ़ वगैरह बहुत सारे स्टेशन है वहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के एरियो को जोड़ता है, हालांकि यहाँ पे बहुत कम जाल है लेकिन जो भी है वो इसके अंतर्गत है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। 14 नंबर हो गया। फिर इसके बाद 15 नंबर हमने देखा था दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद, हैदराबाद, जुड़वा नगर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद 15 के बाद, सॉरी हमने 15 पे पहुँच गए कि हम डायरेक्ट ही 10 के बाद 11 पे पहुँचेंगे, हाजीपुर, हाजीपुर में है, ये कौन सा है, पूर्वी मध्य रेलवे का, ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का ये हाजीपुर, इसके अलावा झारखंड रांची इनका आसपास एरिया को ये जोड़ता है। फिर बारवा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, ये बिलासपुर में है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में बता दिया मैंने आपको, उत्तरी पूर्वी सीमांचल रेलवे गुवाहाटी में है, और इसके बाद जो 15 नंबर का था दक्षिणी मध्य रेलवे, ये सिकंदराबाद में है। 16 नंबर में जो है वो मेट्रो रेल है, ये जो कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया गया है। 17 नंबर में पूतरे यानी कि पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, और 18वां नंबर में दतरे दक्षिणी तटीय रेलवे आपको विशाखापत्तनम में मिल जाएगा। इस तरीके से ये देश के रेलवे जोन हैं जिनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। देश में रेलवे मेट्रो रेल जो सेवा चलती है वो कहाँ कहाँ चलती है उसको भी हम देख लें। 1995 और 1972 में इसको स्वीकृत किया गया था, 1995 में सबसे पहले चलाया गया था और कोलकाता में शायद सबसे पहले चली थी। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जो भारत के शहर है वहाँ पर मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, देखिए कोलकाता है जहाँ पर मेट्रो रेल शुरू की गई है, कोलकाता सबसे पहले यहीं पर शुरू की गई थी, देश की राजधानी थी पहले 1911 से पहले ये। दिल्ली में आप सभी जानते हो भूमिगत रेलवे है, नोएडा दिल्ली का ही समीपवर्ती है, गुरुग्राम ये भी यहीं पर है लगभग। फिर इसके बाद मुंबई में आप सभी जानते हो मुंबई लोकल, मुंबई मेट्रो खूब नाम सुना होगा आपने। इसके बाद आपने सुना होगा चेन्नई, चेन्नई के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद आपको पता होगा जयपुर का तो हवा में है ऊपर, हैदराबाद तेलंगाना में है, लखनऊ और कोच्चि
ये कुछ शहर है जहाँ पर मेट्रो रेल सेवा वर्तमान में चालू है, और भी कुछ शहरों में मेट्रो रेल सेवा चालू करने की बात कही गई है। लिख लीजिए आप इनको, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैंने लिख दिया है इसको, अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा थी, इस कक्षा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने रेलवे जोन के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद है आपको रेलवे जोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलेंगे आपसे कल, और कल हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में और उसके बाद वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।